हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए बायोलॉजी का यह सीट नंबर 5 है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सीट्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिनमें हमने ह्यूमन डिजीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे हैं। इस सीट में हम लोग अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और हमारे इस एग्जाम झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हेमोफीलिया या वर्णाधता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है और रंजकहीनता यह एक अनुवांशिक रोग है जिसमें त्वचा, बाल, आँख में मेलिन रंजक यानी कि मेलिनिन पिगमेंट की कमी हो जाती है, जिसे हम रंजकहीनता कहते हैं। हीमोफीलिया यह भी एक अनुवांशिक रोग है और वर्णाधता यह भी एक अनुवांशिक रोग है जिसमें लाल और हरे रंग का जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है उसका पहचान नहीं कर पाता है। फेनिल किटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश है, फेनिल किटोन में एक अनुवांशिक रोग है जिसका कारण फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सीजिलेज की कमी के कारण होता है और इस एंजाइम की कमी से यह बीमारी फेनिल कीटोन में होता है। यह एक अनुवांशिक रोग है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजाइम के वंशागत अभाव का। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, वृक्क का फेल होना, यंकृत का फेल होना, मानसिक जड़ता, नपुंसकता। तो जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग होता है इसमें फेनिल एलानिन एमिनो अम्ल का शरीर सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण नहीं कर पाता है और खून में इसकी अधिकता हो जाती है, खून में वह अधिक मात्रा में पाया जाने लगता है जिससे वह खून से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क को क्षति कर देता है जिससे रोगी में मानसिक जड़ता हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बबल बेबी रोग, इस रोग को सर्व कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी भी कहते हैं। इसमें इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाता है यानी कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जिसके कारण जो बच्चा होता है वह संक्रमित होने वाली बीमारियों से, जो वायरल डिजीज है उनसे काफ़ी जल्दी बीमार हो जाता है और इस रोग में रोगग्रस्त शिशु को उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है जिसमें ब्लड क्लोटिंग यानी कि खून का थक्का नहीं जम पाता है। खून के थक्का न जमने के कारण रोगी का अत्यधिक खून स्राव होने के कारण मृत्यु भी हो जाता है। इस रोग का वहन स्त्रियां करती हैं जो प्रकट पुरुषों में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीर रक्तस्राव है यानी कि इसे भी हीमोफीलिया ही कहा जाता है, यह एक अनुवांशिक विकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधीर रक्तस्राव एक अनुवांशिक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग लिंग सहलग्न है? रॉयल हीमोफीलिया, टे सेक्स रोग, पुटीय तंतुमयता, हाइपरटेंशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉयल हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। इसे हीमोफीलिया को रॉयल इन हीमोफीलिया भी कहते हैं। इसका कारण यह है
यह रोग सबसे पहले महारानी विक्टोरिया में पाया जाया गया था और इस रोग को इसी कारण रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं या फिर हीमोफीलिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। हीमोफीलिया के कारण ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता है, यानी कि खून का थक्का नहीं जम पाता है। इस कारण इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त का स्कंदन न होना। यहाँ पे इसे तो सही कर लें, ब्लड क्लोटिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लड क्लोटिंग, रक्त का स्कंदन न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? हीमोफीलिया, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर या पेचिस? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक व्याधि है, यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम है। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है जिसका मेन कारक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। कैंसर, इसमें WBC की अधिकता के कारण कैंसर रोग होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। और पेचिस, यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जिसका मुख्य कारक एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दांत्रिक कोशिका अरक्तता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यह एक अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और दांत्रिक कोशिका अरक्तता, यह अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पिंडन से उत्पन्न होता है? आमवात, तंत्रिका आघात, पेशी दुष्पोषण, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेशी दुष्पोषण। यह एक्स गुणसूत्र यानी कि एक्स क्रोमोसोम्स में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पिंडन से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाने से होता है। यह 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में जो दो गुणसूत्र होते हैं, अब यह दो से बढ़कर तीन हो जाते हैं, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। इस 21 नंबर के गुणसूत्र के एक संख्या बढ़ने से व्यक्तियों में, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम रोग होता है। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसमें सिर गोल हो जाता है, गर्दन मोटी हो जाती है और जीव मोटा हो जाता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति होता है या रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उनका वो मंद बुद्धि हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की गुणसूत्रता उत्तरदायी है। तो जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि जो 21वीं गुणसूत्र होती है, यानी कि 21वीं क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जोड़े में पाए जाते हैं और इनकी संख्या दो से बढ़कर तीन हो जाती है, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाउन सिंड्रोम। यह रोग क्रिएट होता है और यह एक अनुवांशिक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची वन में रोग दे रखा है और सूची दो में रोग के प्रकार दे रखे हैं और इन्हें मिलाना है और जो कूट में सही है उसका हमें आंसर करना है। देखते हैं, मिलान करते हैं। अब हम सबसे पहले हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है? यह एक अनुवांशिक रोग है। डायबिटीज, यह हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होता है। रिकेट्स, रिकेट्स हिंताजन्य रोग है, यानी कि डिफिशियंट डिजीज है। और रिंग वॉर्म, यह कवकीय संक्रमण के कारण यानी कि फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अगर हम सीट बनाए 2, 3, 1 और 4, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? डिप्थीरिया, निमोनिया और कुष्ठ? यह लिंग संलग्न के कारण होता है, यह गलत है। डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और कुष्ठ, यह
बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। एड्स, सिफिलिस और सुजाक, यह जीवाणुजन्य रोग है, ये भी गलत है। वर्णांधता, हीमोफीलिया और दांत कोशिका अरक्तता, यह अनुवांशिक रोग होते हैं, यह बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, इसका कारण यह है कि पुरुषों में केवल एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनमें केवल यानी कि पुरुषों में केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। थायमिन यानी कि विटामिन बी वन, विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, यह सही है। स्कर्वी अम्ल यानी कि स्कर्विक एसिड, स्कर्विक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यह भी सही है। विटामिन ए की कमी से वर्णांधता, यह गलत है। वर्णांधता विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, यह एक अनुवांशिक रोग है यानी कि यह एक जेनेटिक डिजीज है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोपैथेल्मिया रोग होता है। विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग में मदद होता है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करता है, रक्त जमने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह सही सुमेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्णाध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे, उसके मेल है वह कैसा है, उसको कलर ब्लाइंडनेस है, और महिला कैसी है, महिला सामान्य है। तो इनके जो बच्चे होंगे उनमें कलर ब्लाइंडनेस किसको होगा, वह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उनके पुत्रों में कलर ब्लाइंडनेस नहीं पाया जाएगा, पुत्रियों में भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, पुत्रों के पुत्रों में भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, पुत्रियों के बेटियों के बच्चों में पुत्रों में कलर ब्लाइंडनेस होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, एक महिला वर्णाध है, महिला कैसी है, उसको कलर ब्लाइंडनेस है, उसका पति वर्णाध नहीं है, जो मेल है वो कैसा है, नॉर्मल है, इनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही होने की संभावना है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो पुरुष और महिला हैं इनके बच्चों में जो पुत्र होगा वो वर्णाध होगा, मगर उनकी पुत्री क्या होगी, वर्णाध नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुत्र वर्णाध है किंतु पुत्री वर्णाध नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्णाध कलर ब्लाइंडनेस पुरुष यानी कि मेल कैसा है, मेल को कलर ब्लाइंडनेस है, वह एक सामान्य महिला से विवाह करता है यानी कि फीमेल कैसी है, नॉर्मल है, जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी यानी कि इनके माता पिता का जो वर्णांधता नहीं था वो नॉर्मल थे, उनके बच्चा की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांधता होने की संभावना है। तो इनके बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इनके बच्चे जो सन या फिर डाउटर होंगे उनके वर्णांधता की कितनी परसेंट की चांसेस हैं। तो 0% के चांसेस हैं। हमने क्वेश्चन नंबर जस्ट अभी 18 नंबर देखा, माता और जो पिता होते हैं इनके बच्चों को वर्णांधता नहीं होता, इनके बच्चों के बच्चों को जो डाउटर साइड से सन होगा उनको वर्णांधता की शिकायत होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो ग्रसित पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को वर्णांधता का शिकार नहीं होता है यानी कि उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, विटामिन डी, हार्मोन, हेमोग्लोबिन या प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमोग्लोबिन। थैलेसीमिया के रोगी का शरीर हेमोग्लोबिन की संश्लेषण करने का क्षमता नहीं रखता, जिसके कारण ऐसे रोगी को रक्त की कमी हो जाती है और अत्यधिक कमी के कारण उन्हें एनीमिया रोग भी हो जाता है। थैलेसीमिया 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावी होता है रक्त, फेफड़े, हृदय, गुर्दे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त। थैलेसीमिया से ग्रसित रोगी हेमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं कर पाते, जिसके कारण ग्रसित रोगी के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है,
थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग होता है। दोस्तों ये थे अनुवांशिक रोग यानी कि जेनेटिक डिजीज से संबंधित 22 क्वेश्चंस। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। झारखंड एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।